हेलो गाइस, दिस इज कुंदन, वेलकम टू माय चैनल केविंग्स। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कैनन 1500D की कंप्लीट बैटरी बैकअप टेस्ट। इसमें हम देखेंगे गाइस बैटरी को फुल चार्ज करने में हमें कितना समय लगता है एंड एक फुल चार्ज पे हम इससे कितने फोटोज क्लिक कर पाते हैं अगर व्यू फाइंडर से शूट करते हैं तो, और ये भी देखेंगे अगर हम लाइव व्यू मोड का यूज़ करके डिस्प्ले का यूज़ करके अगर हम शूट करते हैं फोटोज़ तो उससे हम लोग कितने फोटोज़ क्लिक कर पाएंगे। एंड ऑफकोर्स वीडियोज़ भी जरूर चेक करेंगे कि फुल चार्ज पे हम इससे कितने देर तक का वीडियो शूट कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा कैमरा और बैटरी, चलते हैं और इसकी आज कंप्लीट बैटरी बैकअप टेस्ट करते हैं। क्योंकि व्यू फाइंडर से हमें फ़ोटोज़ क्लिक करना ही है तो मैंने सोचा क्यों ना स्टॉप मोशन की कुछ वीडियोस बनाया जाए। सो इसके लिए मैंने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दिया है और मैं यहाँ से कंटिन्यूअस फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। तो गाइस अब ये कैमरा हो चुका है कम्प्लीटली बंद। अब इसके मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगा करके देखते हैं कि इससे हमने कितने फोटोज़ व्यू फाइंडर के थ्रू क्लिक कर रहा है। तो गाइस इसमें टोटल फाइल बना हुआ 3116। ध्यान से देखोगे तो एक ही नेम से दो दो फोटोज़ सेव हुआ है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जेपेग प्लस रॉ पे शूट कर रहा था। इसमें एक फ़ोटो जेपेग फाइल में सेव हुआ है, दूसरा फ़ोटो रॉ में सेव हुआ है, यानी कि इसमें टोटल फाइल जितने भी दिख रहे हैं इसको हमें दो से डिवाइड करना होगा। 3116 को दो से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 1558, यानी कि इस कैमरे से हमने 1558 फोटोज़ क्लिक करे हैं। सो गाइस जब वीडियो टेस्ट करके देखते हैं इसे फुल चार्ज पर हम कितनी देर तक का वीडियो शूट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में एक टाइमर भी लगा रखा है ताकि इससे हमें टाइम का भी पता चलते रहेगा। यहाँ से मैं करता हूँ वीडियो को ऑन, मैंने वीडियो ऑन कर दिया है और यहाँ से मैं टाइम भी ऑन कर देता हूँ। अब देखते हैं गाइस ये कितनी देर तक वीडियो शूट कर पाता है एक फुल चार्ज पे। गाइस अभी कैमरा बंद हो चुका था 12:38 पे, फिर से मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। अगेन 12:02 के बाद वीडियो खुद से स्टॉप हो चुका था और इस टेस्ट के दौरान वीडियो 12:02 के बाद स्टॉप हो जा रहा था। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कैमरा हमारा हो चुका है बंद, ऑन भी नहीं हो रहा है यहाँ से आप देख सकते हो। इसे हमारा वीडियो बनाया 1 hour 46 minutes तक का। सो गाइस इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इस कैमरे से हम 1 hour 40 minutes तक का वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फोटोज़ क्लिक करने वाले हैं लाइव व्यू मोड में डिस्प्ले का यूज़ करके और देखते हैं एक फुल चार्ज पे हम इसे कितने फोटोज़ क्लिक कर पाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं छत पे। 1 2 3 1 2 3
तो गाइस कैमरे का बैटरी हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। अब कंप्यूटर में ले जा करके देखते हैं इससे हमने कितने फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं। सो चलते हैं। ये सो अभी मेमोरी कार्ड डाल के देखते हैं कंप्यूटर में कि हमने इससे कितने फ़ोटोज़ क्लिक किया हुआ है। सो अभी इसमें टोटल फाइल है 884, जिसमें एक नाम से दो फाइल दिख रहा होगा, जिसमें एक जेपेग में फाइल है और एक रॉ में शूट हुआ है। इसका मतलब 884 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो कितने फ़ोटोज़ होंगे हमारे, 442, यानी कि 442 फोटोज़। सो इस कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक हुआ है 442। सो इस कैमरे से हम फुल चार्ज पे लाइव व्यू मोड में डिस्प्ले का यूज़ करके अगर हम फोटोज़ क्लिक करते हैं तो इससे आसानी से हम 440 पिक्स शूट कर सकते हैं। सो गाइस कैमरे का बैटरी हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। आप देख सकते हो ऑन करने पे भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। अब इस बैटरी को निकाल करके हम चार्जर में लगाएंगे। चार्जर में लगा करके यहाँ पे हम लोग टाइमर अपना ऑन कर लेते हैं ताकि पता चलेगा कितने देर लगेगा इसको फुल चार्ज होने में। इस बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 आवर 43 मिनट का समय लगा है। सो इस बैटरी को आप 0 से 100% 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर आसानी से चार्ज कर सकते हो। सो अभी हम फोटोज़ क्लिक करने वाले हैं फ्लैश यूज़ करके और देखते हैं सिर्फ सिंगल चार्ज पे हम कितनी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाते हैं फ्लैश यूज़ करके। तो गाइस इसमें सारे फोटोज़ जो हैं व्यू फाइंडर के थ्रू फ्लैश यूज़ करके क्लिक किया हुआ है। इसमें टोटल फाइल्स है 1480, जिसमें जेपेग और रॉ दोनों फ़ोटोज़ हैं। सो 1480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 740, यानी कि इसे टोटल फोटोज़ 740 क्लिक हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। अगर आपके कोई डाउट हो तो वहाँ पे मुझसे DM करके पूछ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।